नमस्ते। आज अपन गवार फली बनाने वाले हैं और मैंने ये गवार फली ली है, पाव भर है ये, और मूंगफली के दाने लिए हैं और एक प्याज है छोटा, और ये लहसुन है, और ये 9 मिर्ची है, 8-9 मिर्ची है, टमाटर है, और ये अपना मसाला है, इसमें नमक है। अभी अपन गवार फली कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। चलिए अपन बनाना शुरू करते हैं। ये अभी मैं मिर्ची के डंठल निकाल रही हूँ। ये अभी मिर्ची को अपन तवे पे अभी मतलब सेक लेंगे, थोड़ा भाज लेंगे, और फिर अपन मिक्सर में ये पीस लेंगे सब। अभी अपन गैस चालू कर लेते हैं और अपन तवा रख लेते हैं। ये देखिए मैंने मूंगफली ली है, ये कम से कम आधी कटोरी है मूंगफली, और मैं अभी तवे पे डाल रही हूँ और मूंगफली को अच्छा मतलब सेक लेते हैं। ये देखिए मूंगफली मैंने अभी तवे पे सेकने के लिए डाली है, आधी कटोरी मैंने मूंगफली ली है और एक पाव गवार फली है, और अपन अभी इसको मूंगफली को अच्छे से मतलब सेक लेगी। अपनी मूंगफली अच्छे से मतलब भून चुकी है, अभी अपन मूंगफली को निकाल लेते हैं। अपनी मूंगफली भून चुकी है और फ्लैट तवा है ना, इसलिए सारे मूंगफली गिर जाती है मेरे से। क्या करूँ, किधर गए, एक भी नहीं दिख रही। अपन अभी ये मूंगफली को ठंडा होने देंगे, फिर अपन इस मूंगफली को कैसे मतलब उसके छिलके निकालते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी अपन ये मिर्ची को भी मतलब भून लेते हैं। मिर्ची अच्छी होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है और तवे को अपन साइड में रख लेते हैं। देखो यहाँ पे चुपके बैठे थे। और अभी अपन प्याज काट लेते हैं जब तक अपनी मूंगफली। अभी मैं प्याज काट रही हूँ और इसका पूरा छिलका मैं उतार रही हूँ। देखिए छिलका मैंने उतार लिया, अब मैं प्याज को काट रही हूँ। प्याज को अपन अच्छी तरह बारीक काट लेंगे। दो मिनट में प्याज काट के तैयार हो जाता है, बहुत तीखा है। ये देखिए मैंने ये निकाल लिया है, इसका ये हम लोग नहीं डालते हैं। ये देखो, और अभी मैं एक आधा ही टमाटर लूँगी, इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि वो फिर खट्टा खट्टा लगता है। प्याज से आंसू आ रहे हैं, प्याज काट लिया है मैंने, बहुत तीखा है। अभी मैं टमाटर भी काट रही हूँ, ये छोटा ही टमाटर है और मैं टमाटर आधा ही लूँगी, आधा मैं रख लेती हूँ साइड में। देखिए आधा ही टमाटर, इसको भी अपन ऐसे बारीक काट लेते हैं। अभी अपन लहसुन को निकाल लेते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही लहसुन लूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा ही मतलब निकाल लिया था लहसुन, मैं लहसुन थोड़ा सा ही लूँगी। ये देखो लहसुन इतना ही ले रही हूँ मैं। देखिए मैं अभी मूंगफली को कैसे मतलब उसके छिलके निकालने हैं ये आपको ट्रिक बता रही हूँ, और झटपट बन मतलब छिलके उतर जाते हैं इसके मूंगफली के,
और कभी आपके पास टाइम नहीं हो, कभी वो छिलके निकलते नहीं, अपन निकालते रहते हैं, तो मैं इसमें कपड़े में मूंगफली डाली है और देखिए अपन मूंगफली को कैसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे कर लेना और अपनी मूंगफली के छिलके पूरे निकल जाते हैं और आसानी भी रहती है और झटपट काम हो जाता है, इसलिए मैं ये छिलके टेस्ट ट्रिक आपको दिखा रही हूँ कि कैसे छिलके निकालना है। अपन देखते हैं अभी कितने निकले कि निकले, देखिए है ना छिलके कैसे निकले, झटपट अपना काम आसान हो जाता है। और आप ऐसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखिए अभी अपन ये छिलकियों को सारे निकाल लेते हैं प्लेट में और इसके सारे छिलके उतार लेते हैं। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए अपने छिलके सारे निकल गए हैं और झटपट आसान हो जाती है अपनी रेसिपी बनने के लिए, मतलब झटपट तैयार, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अभी अपन अपने इसको मिक्सर में पीस लेंगे और इसके सारे छिलके निकाल लिए मैंने। अभी इसको अपन कपड़े को साइड में कर लेते हैं और अपन अभी मिक्सर में ये हरी मिर्च और लहसुन और नमक इसमें डालेंगे। अभी ये हरी मिर्च भी है, लहसुन है, मैं इसमें डाल रही हूँ। हरी मिर्ची और लहसुन मैंने डाला है। अभी एक चम्मच में जीरा भी डाल रही है, इसमें डेढ़ चम्मच डाल रही है, थोड़ा सा ले रही और नमक डालेंगे एक चम्मच। इसको साइड में रख लेते हैं और नमक अपन एक चम्मच इसमें डाल लेते हैं। ये एक चम्मच नमक है और इसको भी साइड में कर लेते हैं अपन। और अभी अपन मिक्सर में इसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे और मूंगफली को भी दरदरा पीस लेंगे। मैं इसमें सारा एक में पीस ले रही हूँ। हो गया साइड में अपने। अभी अपन ये मिक्सर में पीस लेते हैं। मैंने सारा मिर्ची, लहसुन, नमक, जीरा और मूंगफली एक में ही डाला है क्योंकि अपन को दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और बहुत बेस्ट लगती है सब्जी, बहुत मज़ा आएगा खाने में। ज़रूर बना के देख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना। और चलिए अपन अभी मिक्सर में पीस लेते हैं। अपन अभी दो ही बार इसको घुमाएंगे, ज़्यादा पीसेंगे नहीं। और चलिए अपन अभी स्टार्ट करते हैं, मिक्सर अभी चालू कर लेते हैं। अरे बटन ही बंद कर, अभी अपन देखिए अपना मिश्रण कैसे बना है। दो बार ही घुमाया मैंने, थोड़ा सा हल्के से घुमाया दो बार और अभी अपना मिश्रण तैयार। चलिए अपन अभी गवार फली कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अभी गैस चालू कर लेती हूँ। कढ़ाई रख रही हूँ मैं और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे अभी थोड़ा, क्योंकि तेल भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अभी तेल डाल रही हूँ मैं इसमें। ये कम से कम आधी कटोरी तेल है और इसका काम हो गया। अभी तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। इसमें जीरा राई भी डालते हैं, पर मैंने मिक्सर में पीस लिया है जीरा,
और राई तो मैं डालती ही नहीं हूँ। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो राई जीरा, मैं नहीं डाल रही। और देखिए अपना तेल गरम हो चुका है, मैं अभी प्याज डाल रही हूँ इसमें, एक प्याज है ये। प्याज को अपन अच्छी तरह होने देंगे और फिर बाद में टमाटर डालेंगे अपन। और मैं ये साइड में रख रही हूँ। और ये मूँगफली अपनी गवार फली है, इसमें अपन पानी डालेंगे। मैंने ऑलरेडी तो पहले धो के रखी थी ये गवार फली, वापस से धो रही हूँ। एक गिलास पानी डाला है मैंने, टमाटर डाल रही हूँ इसमें। और ये हल्दी भी डाल रही हूँ एक चम्मच, ये देखिए हल्दी। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक ऑलरेडी मैंने पहले डाला है, ये नमक भी साइड में। अभी अपन इसमें गवार फली छोड़ लेते हैं। इसको साइड में कर लेते हैं। और ये अभी गैस फास्ट कर रही है थोड़ा मीडियम में, और गवार फली को अच्छी तरह होने देंगे। बहुत सादी और सोपी रेसिपी है ये, सिंपल है और बहुत टेस्टी लगती है सब्जी गवार फली की, ऐसे ज़रूर बना के देख लेना। अभी अपन गवार फली पे 5-7 मिनट के लिए ढक्कन रख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देख लेंगे थोड़ा, मतलब गवार फली फ्राई होने देंगे अपन तेल में थोड़ी सी हल्की सी, फिर उसके बाद अपन आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। कि मैंने अभी मीडियम गैस रखा है और मीडियम गैस पे 5-7 मिनट तक मैं पकने दूंगी, उसके बाद फिर चेक करूंगी। और मुझे लगा कि नहीं, मतलब अच्छी तरह गवार फली उबली है, मतलब सीजी है, तो मैं वापस से ढक्कन 5 मिनट के लिए रखने वाली हूँ। देखते रहिए भाई और बहनों, मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट ज़रूर करके मुझे बता। और मैं आपको ऐसी रेसिपी, आपको मतलब सादी सोपी सरल रेसिपी आपको मैं बना के दिखाऊंगी। अभी अपन आटा गूंद लेते हैं, और अपनी जब तक अपनी सब्जी भी मतलब अच्छी तरह पक रही है, ये मैं नमक ले रही हूँ आटा गूंदने के लिए। इसका काम हो गया, इसको रख लिया। अब अपन आटा निकाल लेते हैं। ये मैं आटा छान रही हूँ। और देखिए मैं कैसे आटा छान रही हूँ। अपना आटा हो गया, अभी ये कम कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही हो गया है, इतना बहुत है, क्योंकि रोटियाँ ज़्यादा खाती ही नहीं, कोई भात ही खाते, चावल। ये देखिए मैं पानी भी ले रही हूँ आटा गूंदने के लिए, और ये पीठ अपन को रोटियाँ में लगाने के लिए लिया है, ये साइड में रख लेती हूँ इधर ही। तो देखिए मैं आटा कैसे गूंदती हूँ ये भी आपको दिखाती हूँ। आप ये नमक को अपन ऐसे सारा मिक्स कर लेंगे, और अपन अभी थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंद लेंगे। देखिए मैं आटा ऐसे गूंद रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और आपको किसी को आटा गूंदना नहीं आता होगा तो मेरी मैं आटा कैसे गूंदती हूँ ये देख लेना। ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से डालोगे तो फिर वो पूरा ये हो जाएगा। ये देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ ऐसे थोड़ा थोड़ा, कोई कोई इसमें तेल भी डाल के गूंदते हैं आटे में, मैं बिल्कुल तेल नहीं डालूंगी। और कोई कोई को लगता है आटे में तेल डाल के गूंद लेते हैं,
अभी और थोड़ा सा पानी ले रही हूँ मैं। और आटे को अच्छी तरह गूंद लेते हैं। ये ऐसे मसल मसल के इसको आटे को गूंदना है। इसमें कम से कम 10-15 रोटी तो आराम से बन जाएगी। और आपको जितना आटा लेना है उतना आप आटा ले सकते हो, आपके हिसाब से जितने सदस्य हैं उतने आटा ले लेना। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छी तरह गूंद लेना आटे को, और झटपट रोटियाँ बन जाती है इसकी अच्छे से आटा गूंदो तो। देखिए अपना आटा गूंद के तैयार है, और देखो कितना नरम मैंने आटा गूंद लिया है, और रोटियाँ भी बहुत मुलायम आती है इसकी, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ। और अभी अपन गवार फली का ढक्कन खोल के देख लेते हैं। अभी अपन 5 मिनट के लिए और ढक्कन रख लेते हैं इसके ऊपर। ये बिना पानी की ये गवार फली, मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और जब तक अपन ये आटे के गोले तैयार कर लेते हैं रोटियां बनाने के लिए। ऐसे ऐसे गोले तैयार कर लेती हूँ क्योंकि अपनी रोटियां बनाने में आसानी रहे, फटाफट बन जाए रोटियां, इसलिए मैं ये गोले तैयार कर रही हूँ। ये देखिए अपने मैंने ये गोले तैयार कर लिए हैं रोटी बनाने के लिए, और अपने गोले तैयार है अभी। और साइड में मैं ये आटा डाल रही हूँ, और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे अपन आटे को, ऐसे ढक के रखेंगे। मैं साइड में रख लेती हूँ। अभी अपन सब्जी को चेक कर लेते हैं कि अपनी सब्जी अच्छी तरह पकी कि नहीं। देखिए अपनी गवार फली अच्छे से हो गई है। अपन ने अभी वो मिश्रण पीस लिया था, मिर्ची जीरा लहसुन और मूँगफली को मिश्रण में पीस लिया था अपन ने, ये अपन इसमें डाल लेते हैं। और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा गैस थोड़ा बढ़ा रही हूँ मैं। देखिए मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ मूंगफली और इस सारे मिश्रण को। अभी अपन वापस से 5 मिनट के लिए ढक्कन रख लेते हैं। बीच बीच में इसको चेक करते रहना क्योंकि मूंगफली जल ना जाए, इसलिए अपन बीच बीच में चेक भी करेंगे। अभी अपन बीच बीच में ऐसे चेक करते रहेंगे इसको गवार फली को। देखो कितनी बढ़िया लग रही है अपनी गवार फली। 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही मतलब ढक्कन रख के रखूँगी। देखिए अपनी गवार फली का कलर कितना सुंदर लग रहा है, और गवार फली बहुत बेस्ट लगेगी खाने में। अभी अपने 5 मिनट हो चुके हैं, और मैं अभी ढक्कन खोल के देख लेती हूँ। और देखिए अपनी सब्जी बन के तैयार हो गई है। देखिए अपनी सब्जी कैसी बनी है, और अभी सब्जी मतलब अच्छी तरह पक चुकी है। और मैं अभी गैस बंद कर लेती हूँ, और ऐसी आप सब्जी बना के देख लेना। ये मैंने गवार फली गावरान स्टाइल में बनाई है, और ये गाँव में ऐसी गवार फली बनाते हैं, और मैंने आपको ऐसी गवार फली बना के दिखाई है। आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।